जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू तनुष करोड़ बायोलॉजी। और हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लोरोफिल क्या होता है। फिर हमने एक एक्टिविटी एनसीईआरटी की देखी थी 6.1। फिर हमने देखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर हमने देखा था एनसीईआरटी की एक्टिविटी 6.2। और फिर हमने एनसीईआरटी नहीं, आपसे कहा है कि एक एक्टिविटी ऐसी डेमॉन्स्ट्रेट कीजिए जिससे आपको पता लग जाए कि जो सनलाइट है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद हमने देखा था न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो भी हमने कौन से एनिमल में देखा था, यूनिसेलुलर, जो कि हमारा कौन सा था, अमीबा। ठीक है, अच्छा, तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4th है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फंक्शन और स्ट्रक्चर है ना, हम ये देखने वाले हैं। चलो, तो बेसिकली ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। देखो, तो हम पहले बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, या फिर हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज ओरल कैविटी, ORAL, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। ठीक है, आ गई बात समझ। और माउथ में क्या क्या होता है, माउथ में आपके टंग होते हैं और टीथ होता है, टंग होती है और टीथ होते हैं, सॉरी ना, टंग तो एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद माउथ नीचे आते हैं ओरल कैविटी से, तो हमको क्या मिलता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप, हमारा फूड पाइप। ठीक है, क्या है ये, फूड पाइप। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, फूड पाइप एफ, इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद क्या आता है हमारा, स्टमक। ठीक है, ये क्या है हमारा, स्टमक। थोड़ा सा मुझे दूसरा पेन लेना पड़ेगा, थिंक सो। ये ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है मुझे। अच्छा, ये हमारा स्टमक, ये दिख रहा है आपको, जे शेप्ड बैग जैसा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा एनस, जहाँ से जो वेस्टेज है वो बाहर चला जाता है ना। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हैं ये सब भी हम देखेंगे, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट क्या होती है, लिवर क्या है, पहले तो बाइल यूज़ किया, बहुत बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। बट जो हमारा ये डायफाग्राम जिसके ऊपर हमारे लंग्स रखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं डाइजेशन क्या होता है, हमने देखा है ऑलरेडी पहले भी, बट हम लोग एक बार और इसको रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या होता है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ गुड लिख दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ फूड कर देता हूँ मैं, फूड कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा रब करके मैं यहाँ पर फूड कर देता हूँ, यहाँ गुड नहीं, यहाँ आना था फूड। ठीक है, अच्छा, फूड मटेरियल टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। बेसिकली ऐसे फूड मटेरियल में उसको कन्वर्ट कर देना, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना जो हमारी बॉडी क्या कर सके, ईजिली एब्जॉर्ब कर सके। तो क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको काय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल शुगर में। लिपिड्स को काय में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिपिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड्स में। ठीक है, अच्छा, लिपिड का मतलब फैट होता है, ये भी बताया ना मैंने आपको। अच्छा, प्रोटीन्स को किस में कर दिया जाता है, अमीनो एसिड्स में। बेसिकली जो अमीनो एसिड्स हैं उनसे ही मिलकर क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया था पॉलीमर्स का कॉन्सेप्ट, कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मतलब मैनी, मर्स मतलब यूनिट एक्सेट्रा, है ना, ये सब कुछ बताया था लास्ट क्लास में। और एक बात और, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप जाके सीरियल वाइज इस चैप्टर को फॉलो करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलो, अच्छा, चलो हम स्टार्ट करते हैं, वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम्स। ठीक है ना, क्या होता है, कुछ बायो कैटलिस्ट की हेल्प से, बेसिकली कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। ठीक है, डज नॉट टेक
part does not take part in chemical reaction but CTIN, यहीं लिखना पड़ेगा वहां तक। हाँ देखो बहुत ही गंदी राइटिंग में सुंदर से लिखा है मैंने, है ना। ठीक है ना, तो मैं इसको रब करना चाहूँगा ताकि आप सबकी मेरी राइटिंग को नज़र ना लगे, है ना। इसीलिए तो बेसिकली आप लोग बात पे ध्यान दीजिए, वो ये है कि क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा बट ये क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देगा, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देगा। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, ये बदल सकता है, है ना। आ गई होगी बात समझ आपको, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, जो हमारा बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये पूरा का पूरा ये सिर्फ एक लॉन्ग ट्यूब से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ी इस ट्यूब ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, कहीं पे जाके लिवर के फॉर्म में कर लिया, कहीं पे जाके स्टमक के फॉर्म में कर लिया, कहीं पे इंटेस्टाइन के फॉर्म में कर लिया, कहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, एक ट्यूब से बना हुआ है। उस ट्यूब का नाम क्या है, उस ट्यूब को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, बेसिकली ट्यूब माउथ से एनस तक है पूरा। अच्छा, द माउथ पार्ट इज कॉल्ड एज बक्कल कैविटी, मैंने आपको बताया ना इसको अपन बक्कल कैविटी या फिर एक चीज और बोलते हैं, दैट इज ओरल कैविटी, ORAL, ओरल कैविटी। ठीक है, अच्छा ओरल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, बेसिकली सलाइवा सीक्रेट करते हैं। तो वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो अब हमारा इंट्रोडक्शन किससे होता है, टीथ से। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना टीथ का स्ट्रक्चर, आप लोगों ने बचपन में कुछ ऐसा सा बनाया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं था सर, तो आप कुछ भी बना रहे हो, नहीं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा रब करके आप लोगों ने। लेकिन बचपन में हम लोग सब पढ़ते हैं थर्ड फोर्थ क्लास में और उसके बाद भी लगातार हम लोग जब भी साइंस पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये सब कुछ पढ़ने का मौका मिलता रहता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। हाँ सर ये देखा हुआ ऐसा लग रहा है ना। तो बेसिकली हमने टीथ का, हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बस हमें टीथ के बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो बेसिकली चलो पढ़ते हैं। ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कैनाइन होता है, हमें मालूम है ना फोर टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, मिलते हैं कैनाइन मिलता है, इंसाइजर मिलता है, प्रीमोलर मिलता है और मोलर मिलता है। और उनमें से आपको मालूम है विजडम टूथ क्या होता है, थर्ड मोलर को विजडम टूथ भी कहते हैं, ये सबसे लेट आता है। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आपने सुना होगा अक्कल दाढ़, हिंदी में अक्कल दाढ़ बोलते हैं कि जब ये आ जाती है तो अक्कल आ जाती है इंसान में, बट जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को तो आने के बाद भी नहीं आती, बट चलो वो हमारा पॉइंट नहीं है, बस हम चलो टीथ के बारे में देखते हैं। हाँ, तो ह्यूमन के पास कितने टाइप के टीथ होते हैं, ह्यूमन के पास होते हैं फोर टाइप की टीथ। ह्यूमन हैव देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन बींग, कौन कौन से, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। ठीक है, अच्छा ह्यूमन इन हिज होल लाइफ गेट्स टू सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमन हमको मालूम है कि ह्यूमन में पूरी लाइफ में कितने टाइप के टीथ, मतलब कितने सेट आते हैं टीथ के, दो आते हैं। ठीक है, एक को हम दूध वाले दांत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, जो सबसे पहले आते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं इसमें, 20 होते हैं, और ये पूरी तरीके से टूट के चले जाते हैं हमारे जब हम 10 से 12 साल तक एज को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आना स्टार्ट होते हैं हमारे 13 की एज से परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा और टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं हमारे, 32 होते हैं नंबर में। आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या आता है हमारा, टंग, हमारी जबान, है ना। जबान बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने बचपन से सुना ही होगा कि जबान हमको राजा भी बना सकती है और रंक भी, बट हमारा यहाँ पे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यहाँ पे टंग के बारे में देखेंगे कि डाइजेशन में क्या हेल्प कर रही है और हमारे को, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको फंक्शन करने में क्या हेल्प करती है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखो टंग क्या है, बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और ये हमारी बेस ऑफ आर माउथ से अटैच रहता है, साथ में साइड से भी अटैच रहता है। अच्छा, और ये क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा ना हमको 5 टाइप के सेंस ऑर्गन हमारे पास हैं, कौन कौन से, आईज, नोज, ईयर्स, आईज नोज ईयर्स, और आगे का आपको मालूम ही होगा, आईज नोज ईयर्स टंग और आईज नोज ईयर स्किन, हाँ आईज नोज ईयर टंग और स्किन,
यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख के SKIN स्किन, आई नोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईयर, आईज नोज ईयर और टंग। हाँ सर, क्या टाइम वेस्ट करा रहे हो बेसिक चीज़ बता के। बट देखो मेरा ये मानना है कि बेसिक बता देना चाहिए यार, ठीक है। ये सेंस ऑर्गन है और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड्स। और ना हम बेसिकली चार तरीके के टेस्ट को कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कौन कौन से, स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी। आ गई बात समझ। एक और टेस्ट होता है उसको हम उमामी बोलते हैं, वो मिक्स तरीके का होता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया बट ठीक है। ये देखो हमारे जो टंग होता है ना उसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग टेस्ट का सेंस होता है, अलग अलग टेस्ट का एहसास होता है, ठीक है ना। मैं इसको एक सेकेंड रब कर दूँ। अच्छा चलो, रब तो हुआ नहीं, हाँ यहाँ से हो गया। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो आप बात को। देखो अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग, ये देखो यहाँ पे बिटर देखने मिलेगा, यहाँ सॉर देखने मिलेगा, यहाँ सॉल्टी देखने मिलेगा, और यहाँ पे स्वीट देखने मिलेगा, ठीक है, कड़वा और नमकीन, और नमकीन तो सॉल्टी हो गया, खट्टा था सॉर और स्वीट था हमारा मीठा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो कौन सी ग्लैंड, वो कौन सी चीज़ आती है, वो आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, एक सेकेंड मैं अच्छा वाला पेन निकालूँ, हाँ ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कितनी होती हैं, थ्री पेयर में होती हैं। देखो सलाइवरी ग्लैंड, एक को हम पेयर का मतलब होता है बेटा, मतलब दो होंगी, पैरोटेट दो होंगी, सब मैंडिबुलर दो होंगी, सब लिंगुअल। आ गई बात समझ, ठीक है ना। पैरोटेट देखो ये ग्लैंड दिख रही होगी आपको। अच्छा आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना, मम्स, जिसे अपन नॉर्मली गलसुए भी कहते हैं, तो उसमें ना क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन होता है किसके अंदर, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर, ठीक है। और ये लाइफ में एक ही बार होता है ना, इसके बाद सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बचपन, मतलब हमारी बॉडी में, बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट क्या होता है मेनली बचपन में ही होता है। हाँ तो वो इन्फेक्शन किस में होता है, पैरोटिड ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड का काम, उसमें ना चेहरा ऐसा सूज जाता है बहुत ज़्यादा। और बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सब हैं क्या, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड। इनका काम क्या, सलाइवा सिक्रीट करना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो ह्यूमंस हैव थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड दो, ठीक है। जैसे देखो ये आपको, ये एक सेक्शन है ना, मतलब ये इस साइड से आपको दिख रहा है, 2D इमेज है ना, ये आपको फेस दिख रहा होगा, ये वाला, ये फेस दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही सेम दूसरी साइड भी होगा, तो वहाँ भी एक और प्रेजेंट होगी। आ गई बात समझ, ऐसे दो सारी प्रेजेंट होंगी, मतलब पैरोटिड भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, सब मैंडुलर यहाँ होगी, और यहाँ पर नीचे हमारे जबान के नीचे, जबड़े में नीचे वाले हिस्से में कौन सी होगी, सब लिंगुअल होगी। आ गई बात समझ। चलो तो बता दिया, पैरोटिड दो, दो पेयर नहीं, दो पेयर एक होगी, तो आपको मालूम है ना दो पेयर का मतलब क्या होता है, टू को मिला के क्या बनता है, वन पेयर बनता है। तो सब मैंडिबुलर भी दो, सब लिंगुअल भी दो, ठीक है ना। अच्छा अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 liters ऑफ सलाइवा इज सिक्रीटेड एवरी डे इन आर ओरल कैविटी, हमारी जो माउथ है ना उसमें पता है 1 से लेके 1.5 liter तक सलाइवा एवरी डे सीक्रेट होता है। और सलाइवा का pH क्या होता है, 6.8 to 7.4 होता है pH, ठीक है। pH के बारे में पता है आपको क्या होता है, pH बेसिकली एसिडिटी और बेसिसिटी नापने की एक स्केल है। pH को फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस जितने ज़्यादा उतना कम क्या pH, है ना। तो pH की स्केल होती है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ वन, अरे जीरो तो होता नहीं, सॉरी मैं इसको क्या माइनस में लेके जा रहा हूँ, एक सेकंड रुको रुको रुको, हाँ हाँ क्या बता रहा था मैं, हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर वन होता है, वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, और अप टू 14 तक होता है, ठीक है ना। जो ये वाला पार्ट होता है वन से लेके सेवन तक का, ये कहलाता है एसिडिक, क्या कहलाता है, ये एसिडिक। बेसिकली 1 से 7 तक जिसके होंगे, बेसिकली 1 से लेके 6.9 तक जो होगा वो होगा एसिडिक, और 7 से ऊपर वाले क्या होंगे, बेसिक, ठीक है। तो जो हमारा सलाइवा है ना उसका पीएच कहाँ से क्या हो सकता है, 7.8 से 7.4 तक हो सकता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ। अच्छा हाँ
द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू मॉइस्टनिंग एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड. बेसिकली फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है और साथ में मिक्स कर देता है अच्छे से, छोटे छोटे पार्टिकल्स को साथ में अच्छे से मिक्स कर देता है. इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज. आपको मालूम है ना टीथ का फंक्शन क्या था, कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड. बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं चूइंग ऑफ फूड, कटिंग ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, उसको अच्छे से मिक्स पीस मतलब छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देना फूड को, और सलाइवा क्या करती है मिक्स कर देती है, मिक्स करने में हेल्प करती है पूरे फूड को. अच्छा सलाइवा के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज. अच्छा अमाइला वर्ड का मतलब पता है आपको, अमाइला वर्ड का मतलब होता है स्टार्च. क्या मतलब होता है स्टार्च, अमाइला रिफर्स टू स्टार्च. ये क्या डाइजेस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये काम भी किस पे करेगा, स्टार्च पे करेगा, और उसको कन्वर्ट काय में कर देगा, सिंपल शुगर में कर देगा. ठीक है, साथ में क्या होता है, एक एंजाइम और होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ स्टार्ट हो जाती है, तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ में. फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन आर माउथ बाय स्टार्टिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च टू सिंपल शुगर. आ गई बात समझ, ठीक है. अच्छा इसमें क्या होता है, एक एंजाइम और होता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम. ठीक है, अच्छा ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये ना ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो कि प्रेजेंट होता है फूड में. ठीक है, बैक्टीरिया भी तो हो सकता है हमारे फूड में, उसको किल करने का काम क्या होता है, लाइसोजाइम का. ठीक है ना, अच्छा द फूड इज मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग. बेसिकली क्या होता है, पूरे फूड को पूरे माउथ में अच्छे से घूमता है ना, जब अच्छे से चबाते हैं तो बेसिकली हमारी टंग का भी काम होता है क्या करना, अच्छे से मिक्स करा देना. और बेसिकली मिक्स किसके कारण हो रहा है, सब कुछ सलाइवा के कारण हो रहा है. ठीक है चलो, अच्छा वी कैन सी That the elementary canal has different parts, various regions are specialized to perform different functions. Basically जो हमारी elementary canal है उसके different parts हैं और उसके कई सारे regions हैं जो कि specialized हैं different function को perform करने के लिए. अच्छा the next part is called esophagus. जो हमारा अगला part है, देखो ये हमारा ऊपर था, हमारा माउथ था, टंग था, सलाइवा सब आ गया. अब जो एक पाइप आया, फूड पाइप जिसको हम बोल रहे थे, जो कि फूड को माउथ से कहाँ लेके जाता है, हमारे स्टमक तक, वो क्या कहलाता है, ईसोफेगस. चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. तो बेसिकली जो ईसोफेगस है, अच्छा ईसोफेगस, इट पासिस फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. क्या करता है, काम क्या है ईसोफेगस का भैया, माउथ टू स्टमक फूड को लेके जाएगा. It's about 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, या 25 सेंटीमीटर, या आप 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है आ गई बात समझ. अच्छा इट्स विद वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, और इसकी विद क्या होती है, 1 इंच के करीब, और बेसिकली 1.5 टू 2 सेंटीमीटर. वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अच्छा अब ना हम लोग बहुत सारी तरह तरह के फूड खाते हैं, आप स्वीट भी खाते हैं, आप नमकीन फूड भी खाते हैं, आप चाइनीज भी खाते हैं, आप इटालियन भी खाते हैं, आप मतलब बहुत सारे तरह तरह के फूड खाते हैं, और सबको कहाँ से होते हुए गुजरना पड़ता है, सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से. नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड हैव सेम टेक्सचर. अब बेसिकली आप कैसा भी फूड खाओगे, उसको गुजरना तो सेम जगह से है, तो हम लोगों को हमेशा क्या रखना पड़े कि एक तो पार्टिकल सारे क्या हों, स्मॉल हो. अब खुद देखो ईसोफेगस की लेंथ कितनी छोटी, मतलब लेंथ हमारी जो डायमीटर है वो कितना छोटा है. तो हम लोगों को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, फूड को अच्छे से च्यू करना चाहिए. उसके बाद जो फूड का जो टेक्सचर है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट. अब सॉफ्ट होने का रीज़न क्या है, जो हमारी कैनाल है ना एलिमेंट्री कैनाल की, ये देखो बेसिकली सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासेज स्मूथ. बेसिकली जो पैसेज स्मूथ, तो बेसिकली सलाइवा की मदद से क्या हो रहा है, पूरा जो फूड है वो वेट हो रहा है ताकि वो ईजिली हमारे ईसोफेगस से पास हो सके, पूरी एलिमेंट्री कैनाल से पास हो सके. अच्छा इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. बेसिकली ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो फूड है उसको एक रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है,
उससे निकले ताकि वो हर एक पार्ट में क्या हो सके, प्रॉपरली प्रोसेस हो सके. द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैव मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. बेसिकली क्या होता है, आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स है ना, उनमें बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, मसल्स होती हैं. ठीक है, आप लोग अगर आगे जाके बायो पढ़ोगे आपके 11th क्लास में, तो आप इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका हम लोग ये हिस्सा ऐसे काट के देख रहे हैं, तो हमको ऐसा दिख रहा है. तो हम लोगों को बेसिकली चार लेयर देखने को मिलती है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, और ये चारों की चारों जो होती हैं अलग अलग मसल से मिलके बनी होती हैं. ठीक है ना, आ गई बात समझ, है ना. अच्छा, दीस, और यही यही हेल्प कराती हैं कि जो फूड है वो क्या कर सके, मूव कर सके एक रिदमेटिक फैशन में, एक रिदमेटिक मूवमेंट हो सके फूड का. अच्छा, दीज पार्टिकल्स, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट, ऑल अलोंग द गट. बेसिकली ये जो मूवमेंट हो रहा है रिदमेटिकली फूड का, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पैरालिसिस नहीं है बेटा, ये क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब देखो यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये मूवमेंट कैसे हो रहा है. देखो मैं आपको एक सेकेंड प्ले करके दिखाता हूँ. ये देखो ये जो आपने फूड लिया था, फूड का जो पार्टिकल था, जब आप गुटक रहे हो तो वो कैसे आपके ईसोफेगस से नीचे आपके स्टमक की तरफ आ रहा है. उसके बाद भी आगे मूवमेंट होता रहता है. एक बार और देखें, चलो देखते हैं. देखो दिख रहा है ना आपको, ये आपका फूड का पार्टिकल है, ईसोफेगस का पाइप है, वहां से आ रहा है. आ गई बात समझ, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, समझ गए. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. अच्छा, अब बात आती है जहां से पेट, जहां से क्या होता है, दिल का रास्ता पेट से होते हुए जाता है ना, ऐसा बोलते हैं. चलो, बट यहाँ हमारा दिल और पेट कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे हम पढ़ते हैं. द स्टमक इज अ जे शेप्ड बैग लाइक लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट. बेसिकली देखो स्टमक का शेप कैसा होता है, स्टमक का शेप कुछ ऐसा सा होता है ना, स्टमक का शेप कुछ ऐसा सा होता है ना. मैंने थोड़ा सा गंदा बनाया है, बट वो होता कुछ ऐसा सा ही है. रेजर का है, मिटा दूँ, बहुत प्यारा बना है. ठीक है, अच्छा है ना. अच्छा, द मस्कुलर वॉल्स, देखो पूरी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें मसल्स हैं. तो बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल का मॉडिफिकेशन ही तो है हमारा क्या, स्टमक. तो उसकी वॉल्स भी कैसी होंगी, मस्कुलर होंगी. आ गई बात समझ. वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मिक्सिंग में. ठीक है, उससे भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं हमारे स्टमक से, और कहीं कहीं से दूसरे दूसरे सेपरेट ग्लैंड से आते भी, जैसे लिवर से आता है और पैंक्रियास से आता है ना. आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं. अच्छा, मेरी बात सुनो. तो मैं कह रहा हूँ कि इन सबको आपस में मिक्स करने का काम कौन करता है, स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो. अच्छा, दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक की वॉल में ही. आ गई बात समझ, स्टमक की वॉल में ही क्या प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना. मैं इसको थोड़ा रेड पेन से मार्क कर दूँ, वॉल ऑफ द स्टमक में क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड अ म्यूकस. क्या होता है ना, बेसिकली हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, ग्लैंड हैं, इसमें फोर तरीके की सेल्स होती हैं. कितने तरीके की बोला मैंने, फोर टाइप की, बट वो आपको 10th क्लास में डिटेल में नहीं है. बट आगे आप जाएंगे 11th क्लास में भी सेम चैप्टर पढ़ेंगे आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा. तो उसमें से फोर में से जो एक टाइप की सेल होती है, चलो मैं उसका नाम बता देता हूँ, उसका नाम होता है ऑक्सेंटिक या फिर ऑक्सेंटिक सेल. ठीक है, ऑक्सेंटिक सेल. ठीक है, ऑक्सेंटिक, शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया. ठीक है, बट आप लोग देख लेना, नहीं भी देखोगे तो इतना समझ लो. ऑक्सेंटिक सेल होती है बेसिकली एक तरीके की सेल होती है, वो क्या करती है, वो बेसिकली एक टाइप का एंजाइम सीक्रेट करती है. क्या करती है बेटा, एक टाइप का एंजाइम सीक्रेट करती है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन. और जो ऑक्सीटोसिक सेल है ना, जो मैंने बताया ऑक्सेंटिक सेल, वो क्या करती है, वो कराती ऑक्सीटोसिक सेल. याद आ गया मुझे, ऑक्सीटोसिक सेल, ऑक्सीटोसिक सेल. ठीक है, अच्छा क्या होती है, ऑक्सीटोसिक सेल होती है.
और वो क्या कराती है, बेसिकली ऑक्सीडोसिस सेल क्या कराने वाली है, वो कराती है आपका सीक्रेट क्या कराती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वो क्या सीक्रेट कराती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी चीज क्या, अच्छा दूसरी चीज क्या, वो ये कि एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। ठीक है, ऑक्सीटोसिन सेल होती है, एक गॉबलेट सेल होती है। गॉबलेट सेल क्या करती है, गॉबलेट सेल क्या करती है, गॉबलेट सेल सिक्रीट कराती है म्यूकस को। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा चिपचिपा फ्लूइड होता है, चिपचिपा एक बहुत ज्यादा थिक फ्लूइड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, पूरी स्टमक वॉल को कवर कर लेता है। ठीक है ना, अच्छा उसका रीजन पता है क्या है, बेसिकली ना क्या होता है, हमारा जो स्टमक का वॉल होता है, ठीक है, जो हमारी स्टमक की वॉल होती है, वो जो स्टमक की वॉल होती है वो काय की बनी रहती है, वो भी प्रोटीन की बनी रहती है। अच्छा, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में एक एंजाइम एक्टिव है पेप्सिन, जो किसको डाइजेस्ट करने की ताकत रखता है, प्रोटीन्स को। आ गई बात समझ। तो बेसिकली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, इस वॉल के कांटेक्ट में आ जाएंगे डायरेक्टली, तो होगा ये कि इसको भी वो क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, ये वॉल भी क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। और आपको पता है इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे होती है अल्सर। जिन लोगों के पेट में बहुत ज्यादा एसिड बनता है ना, उनको अल्सर हो जाते हैं। अल्सर के और भी कारण होते हैं, बट मेन कारण क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं, तो भगवान ने अपने को पहले से ही प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दी हुआ है, म्यूकस की कवरिंग की। जब ये रिलीज हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन रिलीज हो, तब भैया तुम स्टमक की वॉल क्या हो जाना, कवर हो जाना। क्या हो जाना, कवर हो जाना, काय से, म्यूकस से। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एंड, ये जो मैंने आपको बताया अभी, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब आपको बेसिकली आपके कोर्स में पर ये काम का नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से रिलीज होता है, पेप्सिन कहाँ से रिलीज होता है और म्यूकस कहाँ से रिलीज होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब रिलीज होता है, ठीक है ना। और म्यूकस क्यों रिलीज होता है, पेप्सिन कैसे काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में काम करता है, क्या डाइजेस्ट कराता है, प्रोटीन डाइजेस्ट कराता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टमक से। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। बेसिकली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा था हमारी पेट में, HCl, ठीक है, उसका क्या काम होता है, उसके और भी कुछ काम होते हैं। वो क्या करते हैं, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गए हैं फूड जो हमने लिया है उसके कारण, उसको भी क्या कर देते हैं, मार देते हैं। कौन मारेगा भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। बेसिकली जो हमारा म्यूकस है ना, म्यूकस मैंने अभी बताया, वो क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक की अंडर नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैव बीन डिस्कस्ड अबाउट। हाँ, सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं ना, और टीवी पर एड भी आता है इनो का। मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि इनो का एड आता है ना, कि 6 सेकेंड में एसिडिटी भगाओ। तो बेसिकली इसका मतलब एसिडिटी होती है, ठीक है। तो जब एक्सेस ऑफ सिक्रीशन हो जाता है ना हमारे एसिड का गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा स्टमक में, तब कौन सी कंडीशन हो जाती है, एसिडिटी वाली, ठीक है। फिर इनो पी के, या फिर गोली भी आती है, अलग अलग एंटा एसिड्स आती हैं जो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है ना, उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, उस जो पेट में बन रहा एसिड है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एसिड और बेस रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, तो वही रिएक्शन हो जाती है, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बट चलो, हमारा वो मुद्दा नहीं है, बस हम लोग ये जानते हैं कि अब जान गए हैं कि जो ऐसी दवाइयां जो एसिड्स को, एसिडिटी को ठीक करने में यूज होती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एंटासिड्स। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। आ गया आपको समझ, मेरे ख्याल से आ गया हो। अच्छा, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। बेसिकली स्फिंक्टर क्या होता है, आप लोगों ने मान लो ये पाइप है, ठीक है, तो यहां पर
एक ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बेसिकली यहाँ से लगातार यहाँ से चीजें जाती नहीं रहेंगी यहाँ से, और वापस तो ऐसे आएंगी नहीं, पर आ भी सकती लौट के, बट ये हमेशा आगे जाती नहीं रहेंगी। इसको रेगुलेट करते हैं कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है ना। ये रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक स्फिंक्टर, और कितने समय तक रहेगा, मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज रहता ही नहीं, ठीक है, ये परमानेंट ब्लॉकेज नहीं है, परमानेंट ब्लॉकेज नहीं है, ये दरवाजा टाइप का है, ठीक है ना, जिसको चाहो तो खोल देगा, जिसको चाहो तो बंद रखेगा। आगे बात समझ, स्टमक में लगा रहता है स्फिंक्टर, ठीक है ना, स्फिंक्टर और ना। चलो अभी हम देखेंगे वैसे स्टमक के बारे में कुछ, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा और। अच्छा, विच रिलीजेज इन इट्स स्मॉल अमाउंट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक के बाद कौन सा पार्ट पड़ रहा है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद कहाँ एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन लिया है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। वो हमारे स्टमक से, ये देखो ये हमारा स्टमक दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन सा, एक तो होता है स्टोर फूड करता है ये, फिर क्या ब्रेक डाउन फूड इंटू लिक्विड मिक्सचर, फिर एम्प्टी लिक्विड इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखो इसके चार पार्ट, ये ईसोफेगस से आया यहाँ पर, ये यहाँ से, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, कार्डियक पार्ट, ये वाला बॉडी पार्ट, और नीचे वाला क्या कहलाता है, पायरोलिक पार्ट। क्या कहलाता है, पायरोलिक पार्ट। एक बार और देखें, देखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, मैं एक बार ना इसमें मार्क करके देता हूँ आपको, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ ये रहा पेन। तो बेसिकली ये एक्चुअली एनिमेशन है तो इसमें मार्क होगा नहीं, बट देखो जो आपको ये जो दिख रहा है ना, अच्छा इसको अभी ड्रॉ करता हूँ पीछे, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप बाकी ये समझ लो कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिस पार्ट इज ईसोफेगस, यहाँ नीचे वाला पार्ट है स्टमक का कार्डियक पार्ट, ये बॉडी है, और ये नीचे वाला पायरोलस, ठीक है ना। और ये देखो जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, देखना अभी देखना, बहुत ध्यान से देखना, आपको स्फिंक्टर भी दिखेगा, पायरोलिक स्फिंक्टर लिखा हुआ है। पायरोलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट ऑफ स्टमक कहलाता ही पायरोलिक पार्ट है, ठीक है ना। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये है पायरोलिक स्फिंक्टर। ये देखो ये फूड के मॉलिक्यूल सारे, पार्टिकल सारे, ठीक है। ये देखो ये पायरोलस है, ये बेसिकली पायरोलिक स्फिंक्टर रहता है यहाँ पे। आ गई बात समझ, है ना। तो देखो मैंने आपको कहा ये आपका जो स्टमक है वो ऐसा सा है कुछ, ठीक है ना, ऐसा सा है कुछ। अच्छा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, ये कहलाता है कार्डियक पार्ट। ये क्या कहलाता है, कार्डियक पार्ट। ये क्या है, बॉडी, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है पायरोलिक पार्ट, ये है पायरोलिक पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये ईसोफेगस था, ईसोफेगस अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, है ना, ईसोफेगस। ईसोफेगस से फूड यहाँ आया, कार्डियक पार्ट में आया। अच्छा, यहाँ भी एक स्फिंक्टर लगा रहता है, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं हम स्टमक को, ठीक है। स्टमक का भी स्फिंक्टर लगा रहता है, जो ये रेगुलेट करता है कि यहाँ से फूड डायरेक्ट ना आए, आराम से आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बॉडी पार्ट देखो, फिर जब यहाँ पे पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, जितनी होनी रहती है स्टमक की, स्टमक के अंदर जितनी प्रोसेस होनी रहती है, तो वो क्या करता है, स्टमक ना यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड भेजता है, कम कम करके, थोड़ा थोड़ा करके, बैचेस के फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ है जो रेगुलेट कर रहा है कितना अमाउंट फूड जाएगा एक बार में, ठीक है ना, हमेशा खुला नहीं रहता, ये क्लोज रहता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पायरोलिक पार्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, पायरोलिक स्फिंक्टर। क्या बोला बेटा, पायरोलिक स्फिंक्टर। आ गई बात समझ। और ये जो हमारा हिस्सा चालू हो गया, ये है ड्यूओडेनम। ये क्या है, ड्यूओडेनम, ड्यूओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, ठीक है। आगे हम लोग पूरी देखने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बात समझ, चलो। हाँ, अब आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, ये क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, विच इज फिटेड इन टू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। हम लोग देखो, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कितनी ज्यादा कॉइल्ड है, ये कितनी ज्यादा कॉइल है। और ये देखो ये वो पार्ट है ड्यूओडेनम जो हमारे स्टमक से डायरेक्ट लगा हुआ था पायरोलिक पार्ट से, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है, कॉइल्ड है।
आ गई ना बात समझ। पूरी की पूरी, ये देखो ये पूरी की पूरी कितनी ज्यादा कॉइल्ड है। ये बहुत बड़ी होती है, 20 फिट लंबी होती है, उससे ज्यादा भी, कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि 23 फिट है। अच्छा है ना, तो बेसिकली कितनी है, 20 फिट लॉन्ग होती है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स इट लेंथ इज अबाउट 6 मीटर और 20 फीट। अच्छा लॉन्ग, इट कैन वेरी फ्रॉम 18 to 20 फिट, 18 से छोटी भी हो सकती है, 18 से 20 फिट बेसिकली होती है, ठीक है ना। इन ह्यूमन इट हैज थ्रू 3 पार्ट। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, एक है डियोडेनम, फिर है जियोजेनम, फिर है इलियम। देखो यहाँ पर सारे के सारे पार्ट्स को अलग अलग कलर से मार्क करके दिखाया गया है। ये देखो, ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये येल्लो वाला, मैं एक सेकेंड इसको, हाँ देखो ये है आपका, देखो येल्लो वाला पार्ट जो है ना, ये क्या है, ड्यूओडेनम, देखा, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट है कौन सा, ड्यूओडेनम, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जुएजिनम, ठीक है। चलो जुएजिनम को मार्क करें, वो वैसे मार्क भी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, बट चलो मैं आपको एक बार और मार्क करके दिखाता हूँ, तो बॉल पॉइंट लेते हैं चलो, है ना। ये देखो ये ब्लैक से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कौन सा पार्ट है, जुएजिनम, देखा आपको, है ना, आ रहा है ना समझ। चलो ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा, ये जो ब्लू से मार्क है और जिसे मैं ब्लैक से आउटर लाइन कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी ब्लैक से आउटलाइन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा क्या है, जियोजेनम। इसके बाद कौन सा पार्ट आता है, इलियम, ठीक है। चलो इसको अपन दूसरी इंक से मार्क करेंगे, वैसे हमको दिख रहा है इसमें कौन सा कलर दिखेगा, रेड ही दिखाते हैं, चलो ठीक है। ये देखो ये कौन सा पार्ट है आपका, ये कौन सा पार्ट है, इलियम, आ गई बात समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक और ज्यादा अच्छा चित्र है, ज्यादा ज्यादा अच्छी फोटो है, जो कि और अच्छे से डिफाइन कर रही है आपके सारे पार्ट्स को, ठीक है ना। देखो मैं ना इसलिए इमेजेस ले रहा हूँ ताकि अपन लोग इजी, ज्यादा अच्छे से अपन लोग क्या कर सके, अच्छे से पढ़ सके, है ना। तो ये देखो ये आपका ये डियोडिनम वाला पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से क्या लगा हुआ है, आपका स्टमक लगा हुआ है, ठीक है ना, अभी देखा अपन ने पूरा स्टमक। अच्छा सर ऐसा तो नहीं था, पता है ऐसा नहीं था, तो आप जानते हो मेरी ड्राइंग बड़ी रियलिस्टिक रहती है। अच्छा, ये देखो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये है जुजनम वाला पार्ट है, ये पूरा, ये यहाँ भी आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है वैसे, है ना। इसको पिंक लिया गया है, इसको थोड़ा सा स्किन सा लिया गया, ये कौन सा पार्ट है, इलियम, ये हमारा इलियम, ठीक है, आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ड्यूओडेनम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ड्यूओडेनम इट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। देखा था हमने पहले कि ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है और साथ में सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, इट इज वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन यूजिंग एंजाइम टेक्स प्लेस। बेसिकली ना क्या हो रहा है, जो फूड है वो पायरोलिक पार्ट से कहाँ आ रहा है, स्टमक से डायरेक्टली कहाँ आ रहा है, ड्यूओडेनम में आ रहा है, और यहीं पर सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन होता है। बेसिकली केमिकल की मदद से जो और फूड मटेरियल है उसको, और स्टमक में काफी कुछ हुआ पर सब कुछ नहीं हो पाया, है ना, काफी कुछ सिंपलर में ब्रेक डाउन हुआ बट पूरा का पूरा नहीं हो पाया, तो अब वो कहाँ आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आया है, ड्यूओडेनम में आया है, यहाँ पे और अच्छे से इसका केमिकल डाइजेशन होगा एंजाइम्स की प्रेजेंस में, आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, जियोजेनम। जियोजेनम क्या है, इट्स अ मिडिल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल सेक्शन। इट इज अ लाइनिंग विच इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को और सिंपलर शुगर में कर दिया गया है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया होगा अब तक तो। उसके बाद जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, अमीनो एसिड्स में, आ गई बात समझ। अच्छा, द इनर सरफेस ऑफ जियोजेनम इट्स म्यूकस मैम्ब्रेन इज कवर्ड इन प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाय। क्या होता है, कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारी जियोजेनम की लाइनिंग में, ठीक है, उनका उनको क्या बोलते हैं, विलाय। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं ताकि जितना भी कंटेंट एब्जॉर्ब करना है हमको, ठीक है,
हमारी जो भी ये जितना भी ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ना, मीन देखो कन्वर्ट करके क्या हो गया, क्या कन्वर्ट करके हमारा काम बन गया? नहीं बना, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहीं पे सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, आई बात समझ, किसकी हेल्प से हो रहे होते हैं? विलाई की हेल्प से। विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सके। आ गई बात समझ? चलो अब पढ़ते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। वो क्या है बेटा? वो है इलियम। इट इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ इलियम इज मेनली टू एब्जॉर्ब विटामिन B12, बाइल सॉल्ट्स एंड मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दैट वर नॉट एब्जॉर्ब इन द जियोजेनम। अब बेसिकली अगला पार्ट वही काम करेगा ना जो पिछला नहीं कर पाया। जियोजेनम जो जो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो सब कौन करेगा? इलियम एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना। द वॉल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ फोल्ड्स विच ईच ऑफ विच हैज मैनी टाइनी फिंगर प्रोजेक्शन नोन एज विलाई। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। द इलियम हैज एक्सट्रीमली लार्ज सर्फेस एरिया बोथ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे जो एंजाइम एक्स्ट्रा बच गए उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, साथ में जो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स हैं डाइजेशन के। ठीक है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट से क्या बना? कार्बोहाइड्रेट से शुगर, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल बने। फैटी हमारे जो लिपिड्स थे मतलब फैट्स, उनसे क्या बने? फैटी एसिड्स बने। आ गई ना बात समझ। उसके बाद जो हमारे प्रोटीन्स थे उनसे क्या बने? अमीनो एसिड। उन सबको भी डाइजेस्ट कर लेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा एंजाइम है उनको भी कर लेगा। किसकी मदद से? वही विलाई की मदद से, है ना, विलाई की मदद से। अच्छा देखो, इतनी देर से हम विलाई विलाई कर रहे हैं, विलाई क्या होता है देख लेते हैं। दिखता कैसा है? देखो ये एक विलाई बना है, बना हुआ है यहाँ पे बस। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, इसकी मदद से ये क्या हो जाता है? फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाता है। आई बात समझ? चलो आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो, इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? हाँ सर, सवाल आया होगा ना दिमाग में कि यार ये तो 18 से 20 फीट लंबी होती है, फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायामीटर जो है वो छोटा है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेंथ के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं बोलते, किसके कारण बोलते हैं? डायामीटर के कारण। अब से याद रखना हमेशा, स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? अलग अलग हो सकती है अलग अलग एनिमल्स में, डिपेंड करता है कि वो कौन सा फूड लेते हैं, किस तरीके का फूड लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया है, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। क्या होता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ज्यादा समय तक जो हमारा हर्बीवोर है उसके पेट में क्या होना चाहिए? फूड होना चाहिए। आई नवाज समझ? तो उसीलिए उसकी इंटेस्टाइन को कैसा बनाया भगवान ने? बहुत बड़ा, ताकि वो किसका डाइजेशन इजिली कर सके? सेल्यूलोज का। अच्छा, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जो मीट होता है वो इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसीलिए जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी कैसी होती है? इंटेस्टाइन स्मॉल होती है। अच्छा, द स्मॉल बेसिकली मीट ईटर्स की आप देखोगे तो जनरली आपको स्मॉल मिलेगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ, देखो कार्बोहाइड्रेट का भी यहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है, प्रोटीन का भी, फैट का भी। इट रिसीव द सीक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? लिवर और पैंक्रियाज से आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सबका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम। देखो मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी अभी कुछ देर पहले जब स्टमक के बारे में बताया था कि वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, क्या रिलीज हो रहा था? HCl हो रहा था ऑक्सेंटिक सेल से, है ना, ऑक्सेंटिक सेल ही बोलते हो। ठीक है ना, पर तुम्हारे मतलब का है नहीं, वो हायर क्लासेस का है तो तुम उस पर जाओ मत, तुम बस ये देखो कि HCl रिलीज हो रहा था। तो बेसिकली ना HCl क्यों चाहिए था वहाँ पर? क्योंकि पेप्सिन वहाँ पर एक्ट कर रहा था। बट यहाँ पर जो कहाँ की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना स्टमक से जो फूड आ रहा है वो क्या है? एसिडिक। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एल्कलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एल्कलाइन करना पड़ेगा ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या कर सके, उस पर एक्ट कर सके। यहाँ पे जो एल्कलाइन वर्ड है उसको पढ़ के
कंफ्यूज मत हो जाओ, वो बेसिक ही बोल रहा है, यानी हमको क्या बनाना पड़ेगा, बेसिक मीडियम बनाना पड़ेगा, यहाँ एसिडिक बना रहे थे ठीक है। और ये काम पता है कौन करता है, ये काम मेनली करता है बाइल जूस, अच्छा यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ लिखता हूँ ठीक है, क्या काम करता है बाइल जूस, हम आगे पढ़ेंगे भी ठीक है ना, लिखा हुआ मैंने ही बनाई ना स्लाइड्स, तो पता है आगे लिखा हुआ है, मैंने अलग से भी लिखा हुआ, बट यहाँ पे बात आई तो मैं बता देता हूँ कि अल्कलाइन करने का काम कौन करता है, बेसिकली बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, अभी आगे हम पूरा देखने वाले हैं। आ गई बात समझ, पढ़ जाऊँ आगे, चलो बढ़ जाते हैं, आ जाओ। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्पलिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, बेसिकली ना यही कहना चाहती है एनसीईआरटी आपसे कि बाइल जूस जो है वही जो लिवर में प्रोड्यूस होता है वही क्या करता है, जो लिवर में प्रोड्यूस होता है वही क्या करता है, इस जो एसिडिक फूड आया उसको एल्कलाइन करता है, साथ में ये डाइजेशन भी करता है किसका, फैट का। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। क्या होता है, जो फैट होते हैं ना, फैट वो जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं ये लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, तो एंजाइम इन पर एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनका छोटे ग्लोब्यूल में ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। अच्छा और एक चीज़ बताऊँ, फैट पे काम करने वाला जो एंजाइम है ना वो पता है कौन है, वो है लाइपेस। क्या है, लाइपेस। बाइल फैट को डाइजेस्ट नहीं करा रहा, बाइल फैट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करा रहा है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करा रहा है ताकि लाइपेज उन पे क्या कर सके, एक्ट कर सके। आ गई बात समझ। द पैंक्रियास सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। आ गई ना बात समझ, जो इमल्सिफिकेशन कराया किसने, हमारे बाइल ने कराया। आ गई ना बात समझ, चलो अच्छा मेरे ख्याल से आ गई होगी। अच्छा और कौन सा जो एंजाइम है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है, वो है ट्रिप्सिन। कौन सा है, ट्रिप्सिन। आ गई बात समझ, प्रोटीन पे एक्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है यहाँ पे, ट्रिप्सिन। लिख दूं यहाँ पे, देखो प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। कहाँ की बात कर रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अच्छा मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ, चलो बढ़ जाऊँ आगे, पहले ये रीड कर देते। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड विद सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। बेसिकली जो जूस है ना, बेसिकली भाई एंजाइम्स इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स से ही ठीक है। आ गई बात समझ, चलो ठीक है आ गई होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। बेसिकली जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो रिलीज हो रहे हैं, उन्हीं की मदद से जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में। जो फैट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आ गई बात समझ, अच्छा द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। और सिंपल सी बात है, तुमको मालूम है इंटेस्टाइन में ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमने विलाई बोला, और वही क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको, है ना। कोई डाउट है क्या, परेशानी वाली बात है क्या, मेरे ख्याल से नहीं होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। यही हमने पढ़ा अभी तक कि जो हमारी इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाई कहते हैं जिन्हें, ये सर्फेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसके कारण ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। आ गई बात समझ। तो विलाई आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल। अब बेसिकली हमें डायरेक्टली फूड पहुंचाना कहाँ है, ब्लड। ब्लड हमारा कैरियर है, ब्लड ब्लड ही हेल्प करता है ना सर्कुलेशन में। तो बेसिकली बहुत लार्ज सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं इन विलाई में, ठीक है ना, इन विलाई में बहुत लार्ज, ठीक है। अच्छा विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बेसिकली हर एक सेल क्या कर रही है, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जिसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है, साथ में कुछ बेसिक मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। जैसे कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसके मिलके बनी होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हो अगर तो, याद हो आपको, पढ़ा तो आपने हो गई, ठीक है ना, प्रोटीन और लिपिड्स की, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की। भैया अब ये जो मेम्ब्रेन है इसको भी तो कहीं ना कहीं वियर और टीयर्स हो रहे होंगे, इसको भी तो रिप्लेस करने की ज़रूरत है,
आ रही है ना बात समझ? और भी बहुत सारे फंक्शंस में हमारे अमीनो एसिड्स काम करते हैं, और ग्लूकोज तो वरदान है, क्योंकि ग्लूकोज के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर पा रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है जिस कारण एनर्जी बन रही है। आ रही है ना बात समझ? बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज, वही बात मैंने आपको बताई। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ना परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। सिंपल सी बात है, जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो कहाँ भेज दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है इस वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल बन गया ना सब कुछ, जो सब कुछ तो काम करने का लिया, सब कुछ काम को एब्जॉर्ब हो कर लिया गया है, तो बचा क्या? वेस्ट, उससे भी क्या एब्जॉर्ब कर लिया? वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जो बचा हुआ मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एनस से। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। बेसिकली जो एनाल कैनाल है हमारी, वहां पर भी क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर, ठीक है ना, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। आ गई बात समझ? बेसिकली वेस्ट के बाहर निकालने को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारा एक ऑर्गन आता है क्या? लिवर। ये एसेसरी ऑर्गन है, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन है मतलब डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे क्या ही? क्या करता है लिवर जो है वो? बाइल बनाता है बेसिकली। देखो ये आपका लिवर, ये आपका लिवर है, ठीक है ना। और ये जो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है ये? गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलो अच्छा, लिवर के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। वो ये कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन। इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg। इट प्रोड्यूसेस बाइल विच गेट्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। देखो अभी मैंने दिखाया ना गॉल ब्लैडर ग्रीन से कलर का, ठीक है। आगे अच्छा डायग्राम भी वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये, देखो ये, ये देखो ये आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा होगा, ठीक है। आ गई बात समझ? लिवर ना बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब देखो दो लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये देखो बीच से ये डिवीजन दिख रहा है आपको, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये जुड़ा हुआ रहता है लिगामेंट के हेल्प से, पर वो अभी यहाँ जानने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। लिवर ऑल्सो कन्वर्ट द एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर ब्लड इन टू द ग्लाइकोजन, है ना। जो लिवर का काम क्या होता है? एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में उसको भी कन्वर्ट करा देता है ये काय के अंदर? ग्लाइकोजन में, ठीक है ना। और बाद में जब इस ग्लाइकोजन की जरूरत पड़ती है, देखो दो काम करता है, मतलब और भी काम करता है, बट ये मेन ये काम भी करता है। ग्लूकोज को काय में कन्वर्ट करा देता है? ग्लाइकोजन में। जब क्या होगा? एक्स्ट्रा। जब क्या होगा? एक्स्ट्रा। और जब जरूरत पड़ेगी तब वो वापस से क्या करा देगा? ग्लाइकोजन को काय में कन्वर्ट करा देगा? ग्लूकोज में। आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी, है ना। और ये सब किन के कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है, कुछ हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है ना। अच्छा, हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाला हार्मोन पता है क्या है? वो है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था ना, देखो मैं इस प्रोसेस को नंबर वन नाम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? नंबर वन। तो जो पहली प्रोसेस है नंबर वन, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? हार्मोन। उसका नाम, उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। क्या नाम है बेटा? इंसुलिन। आ गई बात समझ? उसके बाद ये जो दूसरे नंबर की प्रोसेस है ना, इसमें क्या कर रहा है? इसमें हेल्प कर रहा है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, चुको मैं इसको एक मिनट इरेज कर देता हूँ पूरा का पूरा। अब बस ये समझ लो कि एक हार्मोन है हमारा, एक हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा है ग्लाइकोजन। आगे ना बात समझ? इंसुलिन और ग्लाइकोजन, चलो, है ना। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कराएगा, GY। और ये हमारा ग्लाइकोजन लिख दिया क्या मैंने? ये गलत है, ये होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन
ग्लूकागॉन, GLUCA, ग्लूकागॉन, ठीक है, याद रखना ग्लूकागॉन, है ना, नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये सब NCERT में तो दिया नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बट पता होना चाहिए इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, जनरल बातें पता होना चाहिए, है ना। अच्छा समझ गए। और ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं, ये होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन, बहुत ही प्यारा ऑर्गन जिसका नाम है पैंक्रियास, PANCREAS, है ना, पैंक्रियास, ठीक है, पैंक्रियास, ठीक है। अच्छा पैंक्रियास की भी फोटो होगी, ये देखो ये है, ये देखो यहाँ है, सबकी फोटो भैया, ठीक है ना, ये देखो, ताकि आपको इजीली से सबके डायग्राम से यहाँ पे, ताकि सबको इजीली से अच्छे से आप समझ सको, ठीक है, ये देखो ये पैंक्रियास, आ गई बात समझ, चलो ठीक है ना, चलो ये आ गया होगा आपको समझ कि भैया लिवर जो है लार्जेस्ट है, 1.5 केजी का होता है, बाइल बनाता है, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल प्रोड्यूस होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, ठीक है। वापस से मैं अपना पेन खोल लूँ, नहीं नहीं ये नहीं, रेड पेन है ना, रेड पेन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, आप सोचते हो कि मैं बार बार क्लिक करके ये क्यों खोलता हूँ, क्योंकि ना ये बहुत छोटा है, मुझे दिखता है बहुत छोटा, तो क्या करना पड़ता है कि ढूंढना पड़ता है इसको, तो इसीलिए करना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। और ना देखो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बार बार जो बाइल है वो बनकर स्टोर होता रहता है, और जब जब जरूरत पड़ती है वो उस हिसाब से रिलीज करता रहता है उसको। फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का फंक्शन क्या होता है, बाइल हेल्प्स टू इमल्सिफाई फैट्स, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फैट ग्लोब्यूल, बेसिकली ये करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है, बेसिकली क्या करता है ये ना, जो फैट का ग्लोब्यूल है बहुत बड़ा, उसको एक तो क्या करेगा, छोटे में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इस पर क्या कर सके, और ना इसको स्मूथ बनाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि क्या कर सके, इस पर जो एंजाइम है वो अच्छे से एक्ट कर सके। अभी जो हम आगे इमेजेस देखेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि भैया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कैसे होता है, और साथ में फैट का डाइजेशन हो क्या रहा है, ये जो बात कर रहे हैं ये है क्या, है ना, वो हमने दिखाया आपको आगे। थस एड्स इन देयर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ऑल्सो मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन, बताया था ड्यूडेनम में जो फूड आता है एसिडिक वाला, वो उसको एल्कलाइन करने का भी काम किसका होता है, बाइल का, आ गई बात समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, सो एज टू इनेबल, कहाँ, हाँ, सो एज टू इनेबल द एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम, बेसिकली एल्कलाइन ही रहेगा जब स्टमक का वो हमारे इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिकली वो बेसिक हो जाएगा मीडियम, तभी वहां पर क्या एक्ट कर पाएंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है ना। हर एक एंजाइम को एक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन की जरूरत होती है, चाहे वो एसिडिक हो सकती है, चाहे वो बेसिक हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो फैट ग्लोब्यूल है उसको कैसे इमल्सिफाई किया जाता है, ये देखो ये हमारा फैट ग्लोब्यूल था, इसको काटा गया, तो मतलब काटा गया मतलब तोड़ा गया, छोटा हुआ, और फिर इसके ऊपर ये हमारे सॉल्ट ने क्या करा, एक्ट करा, बाइल सॉल्ट ने एक्ट करा, ठीक है। अच्छा ये देखो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या लिखा हुआ है, क्या होता है, जो पानी, जो फैट होता है ना वो वाटर में घुलता नहीं है, आपको पता होगा कि आप तेल डालोगे पानी में तो वो क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा, तो बेसिकली अगर ये फैट का ग्लोब्यूल है, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, बेसिकली फैट ही है, तो ये भी पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा क्या होता है हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर के, वाटर से डरने वाला, दूर भागने वाला या फिर डरने वाला, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, फिलिक कहीं भी लग जाए ना, फिलिक का मतलब होता है लवर, हाँ सर मुझे भी बहुत प्यार है पुष्पा से, नहीं है ना, तो बस फिलिक का मतलब समझो, पुष्पा को भी छोड़ दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, है ना, है ना, पापा बोलेंगे आई हेट टीयर्स बेटा, पर मानना पड़ेगा तुमको, फेल हो चुकी हो तुम, क्योंकि तो चलो बैक टू द टॉपिक, तो आ जाते हैं ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब डरने वाला या फिर भागने वाला, और हाइड्रोफिलिक मतलब लवर, वाटर, वाटर से एफिनिटी रखने वाला है, वाटर लविंग एंड, है ना, आई ना बात समझ। तो बेसिकली इसके क्या होते हैं, दो एंड होते हैं, तो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक है यानी वो वाटर से दूर भागना चाहेगा, तो वो जाएगा और फैट उससे दोस्ती कर लेगा, दोनों हाइड्रोफोबिक हैं। अब बेसिकली दो एक जो एक जैसे के बीच में ही दोस्ती होती है ना, दो एक जैसे लोगों के बीच में ही दोस्ती होती है ना, नहीं सर हमने सुना अपोजिट अट्रैक्ट, हम प्यार की बात नहीं कर रहे हैं दोस्ती की, पर सर राहुल ने कहा है कि दोस्ती तो प्यार से शुरू होती है, कुछ कुछ होता है, अरे यार तुम बहुत फिल्मी हो रहे हो, छोड़ो
मेरी बात सुनो, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि ना हाइड्रोफोबिक वाला हाइड्रोफोबिक से दोस्ती करना चाहेगा, और फैट के बारे में हम जानते हैं वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली ये भी किस तरफ से जुड़ जाएगा, हाइड्रोफोबिक वाली जगह से जुड़ जाएगा, और फिर फैट पर एक्ट करेंगे ये, और धीरे धीरे करके इसको छोटा करते जाएंगे। आ गई बात समझ? और इस पे एंजाइम एक्ट कर देगा, ठीक है ना, लिपेज एक्ट कर देगा। इसका इसका काम क्या रहता है, बाइल सॉल्ट का, इसको छोटा करना, इमल्सिफाई करना। चलो बढ़ जाते हैं आगे। आ गई ना बात समझ? पूरी आई होगी मेरे ख्याल से। नहीं आती आपको कोई भी बात समझ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखो, ये एक और देख रहे हो आप, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये लिपिड का पूरा मॉलिक्यूल है ना, और इस पे ये वाले थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये पूरा मॉलिक्यूल है और इस पे क्या एक्ट कर रहा है, ये देखो, ये बाय सॉल्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ? ये देखो वही है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है और ये हमारे बाइल सॉल्ट का उन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया आपको कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड होते हैं। तो वही बाहर वाला फिलिक, अंदर वाला फोबिक है ना, वही है। देखो हाइड्रोफोबिक तो अंदर की तरफ एक्ट कर, अब भैया हाइड्रो जिसको फोबिया होगा, जिसको डर होगा, वही तो छुप के रहेगा ना, इसीलिए अंदर की साइड है। आ गई बात समझ? इसे याद रख सकते हो। चलो ये देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या देखने मिल रही है, तो हमको गॉल बैडर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ? अच्छा, और ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, स्टमक, और साथ में ये क्या देखने को मिल रहा है, पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें बताई। एक तो ये बहुत सारे एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ ये हॉर्मोन्स भी सीक्रिएट करता है। ये हॉर्मोन्स भी सीक्रिएट करते हैं। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे, ठीक है। धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बस थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं, दो तीन, फिर ये खत्म हो जाएगा, है ना। और मेन बात है, हमको समझ में आया, खत्म होने से मतलब नहीं, ज्यादा हमको समझ में आने से मतलब, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, मेरे ख्याल से आया होगा। नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे। हमारी ये हमारा लिवर हमने मार्क कर दिया, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है ये? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये हमारी पूरी की पूरी ये वाली। सर अच्छा हुआ सर आपको भगवान ने डिजाइनिंग का वो नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया बॉडी डिजाइनिंग का, नहीं तो आप तो सब खेल खराब कर देते सर, है ना। हाँ तो अच्छा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा वो नहीं दिया है ना, भगवान की माया, भगवान ही जाने, ठीक है। हाँ सर माया को जानता हूँ इसमें तुम ये बोलोगे अब, है ना। चलो कोई नहीं, माया को छोड़ो बेटा, सब मोह माया है, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो बस मैं बता रहा था, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब बोलोगे सर सिग्मॉइड कोलोन क्या लिखा हुआ, तो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है। चार पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, बट वो हायर क्लासेस की बात है तो हम यहाँ नहीं देखेंगे। अच्छा यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, अपेंडिक्स, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, तो हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है, बताते नहीं है, बट हम बताएंगे आपको, चिंता मत करो। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 5 feet, कितनी लंबी होती है ये, 5 feet लंबी होती है, और मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1.5। देखो ये बड़ी नहीं है बट फिर भी लार्ज है, रीजन क्या है, इसका डायमीटर बड़ा है, ठीक है। वहां पे डायमीटर क्या था, कम था, यहाँ पे डायमीटर क्या है, ज्यादा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इट हैज अ लार्ज डायमीटर, इट हैज अ लार्ज डायमीटर, लार्ज, इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज लार्ज डायमीटर। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, पहले ही पता, कोई डाइजेशन नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी वेस्ट है उससे एब्जॉर्ब द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। वेस्ट इज पास्ड, ये देखो, वेस्ट इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द रेक्टम विच इज लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जो वेस्ट है वो पास हो जाता है रेक्टम से, जो कि लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, बॉडी से बाहर हो जाता है एनस के थ्रू। आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कितना अच्छा इमेज है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये अपेंडिक्स है ना। ये देखो ये पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। आ गई बात समझ? पूरा रेक्टम, ठीक है ना, आ गई बात समझ। चलो
बढ़ते हैं आगे। अच्छा अब एक चीज़ पढ़ लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अपेंडिक्स जो है ना वो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। कौन सा स्ट्रक्चर? ये देखो ये आपको दिखाया मैंने, ये अपेंडिक्स क्या है? ये ए पी पी ई एन डी आई एक्स, अपेंडिक्स। आ गई ना बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अपेंडिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बट इट इज नॉट फंक्शनल ऑर्गन, इट वॉज फंक्शनल इन अर्ली मैन। जो हमारा अर्ली मैन था ना, जो कि अर्ली मैन आदि मानव, उसमें फंक्शन, उसमें फंक्शनल था, उसमें काम करता था। और उसमें काय का काम करता था? सेल्यूलोज डाइजेशन का, क्योंकि वो कच्चे पत्ते खा जाता था ना। पर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसने खाना पका के खाना शुरू किया, बहुत सारे चेंजेस आए, उसके कारण जो अपेंडिक्स था वो छोटा होता गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वो अभी भी है हमारे पास लेकिन वो किसी काम का नहीं है। इट वॉज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, को मैंने अभी बताया आपको। इट इज कंसिडर्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होता है बट वो किसी काम का नहीं होता। जैसे कि हमारे जो ईयर्स है ना, ईयर्स हमारे कान, ठीक है, ये तो सर हाथी के लग रहे हैं, नहीं हाथी के मत समझो, अपने कान को पकड़ के देख लो, ठीक है। और मैंने तो ड्राइंग से भाई कान पकड़ लिए, तो ड्राइंग करनी नहीं अपने को भी, बट मेन चीज़ समझो, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे ये जो ईयर का ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो क्या कहलाता है? पिन्ना। वो क्या कहलाता है? हाँ पिन्ना, रोने वाला पिन्ना नहीं, उसका नाम ही पिन्ना है, ठीक है। ये भी क्या है? एक तरीके का वेस्टिजियल ऑर्गन, बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। अगर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, फंक्शनल नहीं है, बट ये अर्ली मैन में था तो हमें आता गया, छोटा होता गया और आज भी है, ठीक है ना। ठीक है, अब नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, लड़कियां तो बालियां ही नहीं पहन पाएंगी, मतलब धंधा बंद दुकान वालों का, है ना, बाली बिकना बंद, साथ में अपन लोग ईयरफोन भी नहीं लगा पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पर भगवान सब सोच समझ के काम करते हैं, लेकिन इसका कोई भी एक्टिव रोल नहीं है हमारे सुनने में, है ना, हमारे सुनने में तो काम नहीं करता ये, चीज़ें लटकाने में, चीज़ें फंसा के रखने में काम करता है, बाकी सुनने में तो कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, तो हम इसको नॉन फंक्शनली बोलते हैं, ठीक है। और अपेंडिक्स भी क्या है? नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। अपेंडिक्स हमारा बॉडी के अंदर है और ये हमारा बाहर वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा, द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड एज अपेंडिसाइटिस। क्या होता है? कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था, ठीक है, या हो गया है। और बेसिकली कब होता है? जब अपेंडिक्स में ना इन्फ्लेमेशन होता है। वो इन्फ्लेमेशन कैसे होता है? मान लो कोई फूड का पार्टिकल है या वेस्ट है, वो कहाँ चला गया? अपेंडिक्स में चला गया, ठीक है। अब अपेंडिक्स में रखा रखा सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, सड़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है जिसके कारण क्या हो सके, ये डिकम्पोज हो सके, सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सके और कहीं से एब्जॉर्ब हो सके, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहीं रखा रखा क्या होगा? डिके हो जाएगा, डिके होगा, और डिके होने के कारण क्या बनाएगा यहाँ पे? पॉइजन बनाएगा, जिसके कारण पॉइजन बनाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या देखेगा हमको, क्या होता है वो समझ में आएगा, इन्फ्लेमेशन। क्या? इन्फ्लेमेशन। और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। ये देखो लिखा हुआ है अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अच्छा, इन दिस कंडीशन इंडिविजुअल फील सो मच पेन एंड देयर इज नीड ऑफ इमीडिएट ऑपरेशन। तुरंत ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, अपेंडिक्स का, और निकाल दिया जाता है अपेंडिक्स को, ठीक है ना। ये देखो ये हमारा इन्फ्लेमेंट, ये है इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, ठीक है। ये इमेज भी लेके मैंने आपको दिखा दी, आ गई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और जो NCERT में दी हुई है वो ये ले लेते हैं हम, ठीक है, वो है डेंटल केरीज। बेसिकली ना डेंटल केरीज या फिर टूथ डिके कॉज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटिन। क्या होता है? आपने बचपन में वही जो मैंने अभी बताया था ना, बनाया था, ये आपको बना के दिखाया था, तो आपको बताया है बचपन से अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ाया कि एनिमल, डेंटाइन, पल्प, ये सब कुछ बढ़ाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है टूथ डिके में ना, जो हमारा सॉफ्टनिंग है ये ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का, और ये बीच का अंदर से क्या होने लगता है हमारा, जिससे टीथ, बेसिकली ये समझो टीथ का स्ट्रक्चर है ना, वो क्या होने लगता है? धीरे धीरे करके सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है। ऐसा कब होता है? जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टेंस और डीमिनरलाइजेस द एनिमल। डीमिनरलाइज का मतलब पता है क्या है? ये ना जो हमारे दांत है इनमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है? मेनली कैल्शियम। क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम,
ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से जो दांत हैं, हड्डियां हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, अच्छा तो मेरी बात सुनो, मेनली क्या होता है इन कैल्शियम, जब बेसिकली बैक्टीरिया एक्ट करता है शुगर्स पर, वो क्या करना चाहता है, शुगर को डाइजेस्ट करना करना चाहता है, ठीक है। तो पर होता क्या प्रोड्यूस है वहां पर, एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके कारण क्या गलना चालू कर देते हैं, क्या सॉफ्ट होना चालू कर देते हैं, हमारे हमारे दांत, ठीक है। चलो अच्छा बता दो, मान लो कि एसिड प्रोड्यूस हुआ, अब एसिड में क्या होता है, एच प्लस आयन होता है ना, एच प्लस आयन, ठीक है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम, कैल्शियम किसके फॉर्म में रहता है, सी ए प्लस टू के फॉर्म में रहता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ भी एसिड था, वो किसके साथ बना लेगा, कैल्शियम के साथ बना के निकल जाएगा। तो कैल्शियम धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, बाहर आता जाएगा, और हमारा जो टीथ है वो क्या होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे और सड़ते जाएंगे। आ गई बात समझ, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल टुगेदर विथ फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेग। क्या होता है, आपने सुना होगा प्लेग जम गया या प्लाक जम गया हमारे दांतों पर, है ना। अपने दांतों को अगर अपने नाखून से ऐसे घिसेंगे भी ना, तो व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ सब्सटेंस निकल गया, वही क्या है, वो है हमारा प्लाक, ठीक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं सर काली मिर्ची है, तो बेटा उसको भेलपुरी में डालो खा जाओ, ठीक है वो छोड़ो, है ना, काली मिर्ची है तो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा देखो, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेग कवर्स द टीथ। बेसिकली वो प्लेग है, जो प्लाक है वो उसने क्या करा हुआ है, जम गया है वो जाके, तो अब सलाइवा जो है वो क्या, ये देखो पूरा प्लाक क्या है, जम गया हमारे टूथ पे, ठीक है। तो अब क्या है, जो हमारा सलाइवा है वो डायरेक्ट इससे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। सलाइवा का काम था न्यूट्रलाइज कर देना माउथ को, लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हमारे दांत क्या हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। आ गई बात समझ, ठीक है। अच्छा, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। बेसिकली ना इसीलिए बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रात को ब्रश करके सोना चाहिए, दो टाइम ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे दांतों पर क्या ना जमा हो प्लाक, और हमारे दांत क्या हो, खराब ना हो। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन, है ना। क्या होता है, दांत में बहुत ज्यादा दर्द होता है और गड्ढा हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो कीड़ा लगना क्या है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक है, जिसके कारण हमारे दांतों में क्या कर देता है, वो कैविटी कर देता है। आ गई बात समझ। चलो अच्छा, अब डेंटल से बात निकली है तो एक चीज और बता देता हूँ। एक चीज होती है फ्लोरीन, सुना होगा फ्लोरीन, क्या होता है, जिस एरिया में FLOUR यानी, है ना, गलत लिख दिया, लिख दिया, बात ही सही है, बरा मैं बता रहा हूँ, FLOUR, हाँ देखो फ्लोरीन, आई ना बात समझ। तो बेसिकली फ्लोरीन क्या होता है, मान लो जो पानी आप पी रहे हो लगातार, वाटर, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी मात्रा में क्या प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन्स, क्या प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन्स। तो आपको अपने दांतों में क्या देखना मिलेगा, येल्लोनेस, क्या देखने मिलेगी, पीलापन, या फिर पीलापन ये मैं लिख देता हूँ, येल्लोइश देखेंगे आपको आपके दांत या लोगों के। तो इसीलिए पानी, पानी के कारण भी हमारे दांत कैसे हो सकते हैं, येल्लो। और बेसिकली कौन से आयन के कारण होते हैं येल्लो, पानी में प्रेजेंट हो तो फ्लोराइड आयन, ठीक है। आ गई बात समझ, चलो है ना, अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, है ना, खत्म कर दिया हमने पूरा का पूरा, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये देखो ये लगाना भूल गया था और ये आ गया। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, सीखते रहें, मेहनत करते रहें, अपने मम्मी पापा से प्यार करें, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, चलो बाय।